दोस्तों, ये जिंदगी हंसाती है और रुलाती है, ये जिंदगी हंसाती है और रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहे उसके सामने जिंदगी अपना सर झुकाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो LG का डुअल इन्वर्टर का AC लगा हुआ पीछे देख रहे हो, इसके अंदर ही जो रिमोट मिला हुआ, इसके अंदर टाइम कैसे सेट करते हैं, इसी के साथ साथ टाइमर कैसे सेट करते हैं और टाइमर और स्लीप में क्या डिफरेंस है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, ये है रिमोट AC का और इसको इसमें टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें आपको बैक साइड में जाना है, यहाँ पे से आपको बैटरीज निकालनी है, यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है तो इसको निकाल देना है और जैसे आप बैटरीज निकालते हो उसके बाद आप देखते हो कि स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब आपको बैटरीज इंसर्ट करनी है, ये लगा दी आपने बैटरीज और जैसे ही आप सेल इंसर्ट करते हो उसके बाद आपको ऐसा एक ब्लिंक होता हुआ ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो बस सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अप एंड डाउन का एरो, तो इसमें जैसे आपको टाइम सेट करना है, मतलब अभी बज रहे हैं यहाँ पे 12:05, तो मैं यहाँ पे 1:03:45 यहाँ पे टाइम सेट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे प्रेस करना है सेट एंड कैंसिल और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टाइम सेट हो चुका है, तो इसी ढंग से आप टाइम को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम सेट करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों, अगर बात करें अब इसको में स्लीप मोड कैसे सेट करते हैं, तो स्लीप मोड सेट करने के लिए सबसे पहले आपका AC स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लीप का एक बटन दिया हुआ इसी रिमोट में, तो इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर देखो एक आधे चांद के जैसा थोड़ा आइकन है जो ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है, तो जितने भी टाइम के लिए आपको सेट करना है स्लीप मोड, तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर 2-3 घंटे बाद का मुझे सेट करना, तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, तो 3 घंटे का मैंने स्लीप मोड सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेट का बटन पे ज़रूर प्रेस करें, तो यहाँ पे आपका स्लीप मोड हो जाता है सेट और आपको AC की भी आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि जहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है बटन, तो जिसके थ्रू आपका स्लीप मोड सेट हो गया 3 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे बाद AC ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इन केस आपने सेट कर दिया है और आपको चाहिए कि आपको कैंसिल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सेट एंड कैंसिल का जो बटन दिख रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको सिर्फ एक बार प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो आइकन था इस स्क्रीन पे वो भी चला गया और जो टाइमिंग का था 3 घंटे का, वो 3H लिखा था, वो भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका स्लीप मोड हो गया कैंसिल। दोस्तों, अगर अब बात कर लूँ मैं कि इसमें इस रिमोट में आप टाइमर कैसे सेट करते हो, इसी LG के डुअल इन्वर्टर AC में अगर आपको टाइमर सेट करना तो किस ढंग से करोगे, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि सबसे पहले आपका AC स्विच ऑन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो टाइमर का बटन दिया हुआ है, डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है इसी रिमोट में, तो इसको आपको बस एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे आप देखोगे ऑन का आइकन ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ऑन का, आप ध्यान से देखिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 AM दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है कि कितने बजे का आपको टाइमर सेट करना है, मतलब कितने बजे आपका AC जो है बंद हो जाए बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो इस बटन को दबा के। तो अभी 6 AM का बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें मैं 6:10 तो 6:30 का मैंने टाइमर सेट कर दिया, मतलब 6:30 बजे 6:30 AM को ये AC बंद हो जाएगा। और सेट करने के बाद आपको ये बटन ज़रूर दबाना है सेट करने के लिए, तो जिसके थ्रू आपको ये जब तक ये टाइमर सेट रहेगा ये ऑन का बटन या ऑन का आइकन हमेशा ब्लिंक होते रहेगा, जिससे आपको पता चले कि इसमें इस AC में टाइमर लगाया हुआ है। और इन केस अगर आपको कैंसिल करना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो सेट एंड कैंसिल का बटन है उस पर एक बार वापस से प्रेस कर देना है और आपको देखो आया म्यूज़िक भी सुनाई दे दिया गया होगा LG के AC से और आपका टाइमर भी कैंसिल हो गया है। बाकी सारे रिमोट के फंक्शंस का जो इसमें जितने बटन दिए होंगे उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक डिफरेंट वीडियो में, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आपका अगर कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव या कोई भी डाउट हो इस रिमोट को लेके तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा।
दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्लीप और ठीक है टाइमर दोनों के डिफरेंसेस के, तो स्लीप मोड में क्या होता है कि जब भी आपने स्लीप मोड, एक वन टाइम एक्टिविटी होती है। अभी वन टाइम एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे आपने स्लीप मोड सेट किया तो पर्टिकुलर आवर्स के बाद, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जितने भी टाइम का भी आपने स्लीप मोड लगाया हुआ है उतने टाइम बाद एसी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लीप मोड ये ढंग से काम करता है। लेकिन टाइमर में क्या होता है कि टाइमर अगर आपने समझ लो लगाया आपने रात को 11 बजे सोने गए और आप सोच रहे हो कि 1 बजे या 2 घंटे बाद एसी बंद हो जाए, तो आपने टाइमर एक बार लगा दिया और सेट कर दिया हुआ है तो इसमें होगा कि ये रेगुलर एक्टिविटी होगी। मतलब आप जब भी 11 बजे या जब भी आपका एसी ऑन करोगे तो टाइमर सेट होगा जब तक उसको आप कैंसिल नहीं करते। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि टाइमर कैसे सेट करते हैं और स्लीप मोड कैसे सेट करते हैं, जैसा मैंने बताया उसी ढंग से काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो स्लीप मोड जो होती है एक वन टाइम एक्टिविटी होती है, और जो टाइमर वाला एक फीचर है या एक्टिविटी है वो रेगुलर एक्टिविटी होगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करते। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस हमें देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा एसी ले, अगर आपके मन में डाउट है, तो मैंने बेस्ट बाइंग लिंक, जो मेरे रिकमेंडेड एसीज है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से चेकआउट कर दीजिए, शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए और वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हो, ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। और इसी के साथ जो पीछे एसी लगी हुई देख रहे हो इसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया हो, आपको यहां पर कहीं पे लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अगर कुछ भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिवर्ट आपको एज सून एज जितना भी हो सकता है जल्दी जल्दी दे दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय। हाँ इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना।